इस सीरीज के शुरुआत में एक अनजान इंसान को एटीएम में कई सारे कार्ड यूज करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन कई सारे कार्ड इस्तेमाल करने के बाद वो एक स्पेशल कार्ड निकालता है जिस पर मिदास का सिंबल होता है और मशीन में डाल देता है, जिसके बाद मशीन उससे पिन मांगती है और पिन डालते ही उसका कार्ड एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जोकर के कपड़ों में एक इंसान मसाकारी उसे दीवार के पार दूसरी दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पैसा ही सब कुछ है और वहाँ पर हर कोई पैसों और मौत का खेल खेलता है। जिसके बाद मास्टर मिकुनी को लबाड़ा पहने हुए दिखाई देते हैं, जिसके सामने एक क्यू नाम की लड़की पैसे चबा रही होती है। वो क्यू से पूछता है कि सबसे जरूरी क्या है। वो कहते हैं कि भूख सबसे जरूरी है। मिकुनी उस दुनिया में खुद को खो चुका है और पैसों के नशे में चूर है। जिसके बाद मसाकारी उसे एक अपोनेंट के बारे में खबर देता है। मैदान में आते तो शुरुआत में दिखाए गए आदमी से मिलते हैं। मिकुनी के लिए वो चश्मे वाला इंसान भी बिगनर ही था। जिसके बाद दोनों अपना कार्ड यूज करके अपने कैरेक्टर एक्टिवेट करते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। मिकुनी उससे और पैसा लगाकर मेजो एक्टिवेट करने को कहता है और उसकी कम नॉलेज का फायदा उठाकर मिकुनी उसे खत्म कर देता है और आसानी उसका सारा कैश जीत जाता है। इसके बाद स्टोरी में हिजाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किनुमारु युगा को दिखाया जाता है। उसकी दोस्त हना भी देख लेती है छुपके से सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। वो उसे एक चीज पर फोकस करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद उसके कुछ दोस्त आकर उनसे पार्टी में चलने का ऑफर देते हैं, लेकिन किनुमारु काफी बिजी था इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और अपनी नोटबुक भी भूल जाता है। किनुमारु के पास पार्टी के लिए पैसे तो थे, लेकिन वो इन सब चीजों पर उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद किनुमारु ट्रेन में बैठ जाता है। कनागाई स्टेशन पर उस चश्मे वाले इंसान को फिर से दिखाया जाता है जो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है। उसकी आवाज से ट्रेन रुक जाती है। शाम को किनुमारु एक स्टोर में अपने एक साथी को सरकारी जॉब के फायदे समझा रहा होता है, लेकिन उसका दोस्त उसे प्राइवेट जॉब करने की सलाह देता है क्योंकि वो करना ज्यादा सिक्योर है। किनुमारु का सपना था कि उसका फ्यूचर उसकी फैमिली हमेशा सिक्योर रहे, इसलिए उसका सपना एक बड़ा घर लेकर एक गवर्नमेंट जॉब करना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी आने वाली पीढ़ी को उसकी तरह जिंदगी भर सेक्रीफाइस करना पड़े। तभी उसकी दूसरी जॉब का टाइम भी हो जाता है। वो वहाँ भी अपने साथी से कहता है कि अगर उसे एक ही शॉप से पूरे पैसे मिल जाएं तो वो दो शिफ्ट करना छोड़ देगा। जिसके बाद उसकी दोस्त हना भी उसे मिलने आती है, जो उससे उसकी नोटबुक वापस करने आई थी क्योंकि उसके बिना वो कल के टेस्ट में फेल हो जाता। किनुमारु उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि उसकी जॉब के बाद वो दोनों बाहर चल सकते हैं, लेकिन तभी हना भी अपने बॉयफ्रेंड की ओर इशारा करती है और उसके साथ चली जाती है। किनुमारु घर लौटता है और बिना कुछ खाए अपनी स्टडीज में लग जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठता है उसके दरवाजे पर मसाकारी खड़ा होता है, जो खुद को मिदास बैंक का एम्प्लॉय बताता है। उसका अजीब हुलिया और हरकतें देखकर किनुमारु थोड़ा घबरा जाता है और दरवाजा लगा देता है, लेकिन मसाकारी उससे बार बार पूछता है कि क्या तुम आसानी से काफी ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे। मसाकारी उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो जितनी देर चाहे पढ़ाई और आराम कर सकता है, और बाद में उसे बताता है कि वो इसके लिए ईस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में निकली एंटरप्रेन्योर की पोस्ट के बारे में भी बताने आया है, जो ऑफर वो किनुमारु के लिए लाया था। वो किनुमारु से कहता है कि उसे किसी टेस्ट को पास करने की जरूरत नहीं है और कुछ दिनों में मालामाल हो जाएगा, लेकिन किनुमारु उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसे आधी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। मसाकारी उसके लिए आसान भाषा में कहता है कि उनका बैंक उसे कुछ पैसे देगा और किनुमारु को उन पैसों का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर डिसाइड करना होगा। किनुमारु को उसका खोखला पैसा कमाने का ऑफर पसंद नहीं आता। मसाकारी उसे कहता है कि वो जितने चाहे पैसे कमाकर उन पैसों से रोज पार्टी कर सकता है और उसे दो जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसके बाद किनुमारु नींद से जागता है तो उसे लगता है कि वो एक सपना था। फिर वो उठकर बैंक जाता है और अपने अकाउंट में पैसों को देखकर हैरान हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में किनुमारु हनाबी को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद उनके दोस्त फिर से शाम को पार्टी करने की बात करते हैं और काफी सोचने के बाद किनुमारु उनके साथ चलने को राजी हो जाता है। इसे सुनकर वो चौंक जाते हैं। किनुमारु शाम को अपने साथियों को कल देखे सपने के बारे में बताता है, लेकिन सब उसे कुछ देर आराम करने की सलाह देते हैं। कुछ देर बाद किनुमारु फिर से बैंक जाता है और कुछ पैसे निकालता है, जिसके बाद मशीन उसे ऑफर्स देने लगती है और गेम खेलने के लिए मजबूर करती है। वो कहती है कि वो हनाबी के बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा अमीर हो सकता है। ये सब सुनकर किनुमारु वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो उसके पीछे मसाकारी खड़ा हो जाता है और वो भी उससे एक बाजी खेलने का जिद करता है।
ये कहते हो कि अगर तुम्हारे पास कल पैसा नहीं होगा तो तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह दुनिया भूल जाएगी। जिसके बाद मसाकाई उसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का इनविटेशन कार्ड दिखाता है और उसके फायदे बताता है, और किनामारु का वो कार्ड दिखाकर अपने साथ दूसरी दुनिया में ले चलता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो उसे गेम के रूल समझाता है। किनामारु को डील्स और उसके अपोनेंट्स का डाटा दिखाता है। एक हफ्ते में बिना किसी फेल के एंटर करने से एक डील मिलती है। वो उसे उसके पहले अपोनेंट से मिलाता है और अपने कार्ड को फिंगर से एक्टिवेट करने को कहता है, जिसमें से मसायो नाम की लड़की निकलती है जो कि उसका एसेट है, और फाइट के दौरान उसके वेपन भी हैं। जिसके बाद मसाकाई उसे एक अपोनेंट से मिलाता है। सारे लोगों की नजर उनकी फाइट पर होती है और बैटल शुरू होते ही उसका अपोनेंट माइक्रो कहता है कि और बड़ी मेटल्स की बॉल्स किनामारु की ओर थ्रो करता है और फिर उस पर हमला भी करता है, जिनसे मसायो उससे बचाती है। वो उन पर एक के बाद एक हमले करता चला जाता है और अपने मॉन्स्टर का यूज करके उनकी हालत खराब कर देता है। मसायो सारे हमले अपनी बॉडी पर ले लेती है, लेकिन किनामारु को सुरक्षित रखती है। किनामारु से उसकी हालत देखी नहीं जाती क्योंकि मसायो का एक हाथ और पैर भी कट जाता है, तो वो गेम क्विट करने की बात करता है, लेकिन मसायो से बताती कि अगर ऐसा हुआ तो वो कंगाल हो सकता है। अपने अपोनेंट को हराने के लिए किनामारु को अपना बैलेंस यूज करना होगा, और जब वो अपने कार्ड को स्लैश करता तो उसे मेजाफुलेशन कहा जाता है। और इसके बाद मसायो स्कॉर्च एग हमले का यूज करती है, जिसमें से इतनी एनर्जी निकलती है कि उसकी मदद से वो दोनों अपने दुश्मनों के साथ साथ आधे शहर को भी तबाह कर देते हैं। और इन सब के बाद मसायो वापस चली जाती है और किनामारु का स्कोर बढ़ने लगता है। मिस्टर मिकुनी को उसका लास्ट मूव काफी पसंद आता है, जिसके बाद क्यू को फिर से पैसे खाने के लिए दिए जाते हैं और वो भी किनामारु के स्पेल की तारीफ करती है, लेकिन मिकुनी कहता है कि कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। कुछ देर बाद किनामारु की आंखें अपने कमरे में खुलती हैं। फिर मकासाकी को देखकर उसे पता लगता है कि सपने तो बिल्कुल नहीं था। मकासाकी कहता है कि तुमने कल का गेम जीतकर काफी पैसे जीत लिए, अब ऐसे मौके उसे हर हफ्ते मिलते रहेंगे। ये सोचने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का टाइम है। जब किनामारु गेम को छोड़ने के बारे में पूछता तो मसाकाई उसे वार्निंग देता है कि ऐसा तभी होगा जब वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही उसे और भी कई सजा मिल सकती है और अब उसके पास गेम खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि मिदास कार्ड का यूज करके किनामारु अपने पैसों को जब चाहे कैश इन कर सकता है। किनामारु मसायो से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मसाकाती फिर से वहाँ आकर उसे चेतावनी देता है कि अपने एसेट का इस्तेमाल वो सिर्फ गेम में ही कर सकता है। कुछ देर बाद किनामारु बैंक जाकर अपना बैलेंस चेक करता है और उसे गिनता ही रह जाता है। वो क्लास में भी सिर्फ मिदास कार्ड को ही घूरता रहता है। जब हनाबी उसे कहती है कि तुम्हारा आज पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, तो किनामारु उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 1,00,000 येन हो तो तुम उसका क्या करोगी। जिसके बाद हनाबी उसे न्यूज पर चल रही तबाही की खबर दिखाती है, जहां लोगों को हेल्प की जरूरत है। वहीं प्रेसिडेंट डैलस की पेटेंट कंपनी में मिकुनी और उसके साथी उस लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने कर्जे में डूबकर अपनी जान दे दी थी। उन्हें डर था कि कहीं इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता लग गया तो उनकी कंपनी को बंद करना पड़ सकता है, लेकिन वो लोगों का सपोर्ट भी चाहते थे। उन्हें और किनामारु जैसे लोगों की जरूरत थी। तभी मिकुनी के सामने उसकी प्रोफाइल आती है, जिसमें उसे काफी इंटरेस्ट आ जाता है और मिकुनी को उसकी स्टोरी अपनी स्टोरी जैसी लगती है। कुछ देर बाद किनामारु की शॉप पर कुछ लड़कियां सामान लेने आती हैं, लेकिन किनामारु उनके पास 1,000 येन का ब्लैक नोट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये ब्लैक नोट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में देखा था। जब वो मसायो से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताती कि ये हो सकता है कि कुछ लोग इनकी सप्लाई दूसरी दुनिया से कर रहे हैं। जिसके बाद वो किनामारु को सिली सवाल पूछने पर एक पंच मारती है। शाम को कुछ बच्चों को पार्क में खेलते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें मिकुनी बैठकर देख रहा होता है। शाम को जब शॉप पर किनामारु ब्लैक नोट्स के बारे में बात कर रहा होता है, तभी एक रूड कस्टमर उसकी शॉप पर आता है, लेकिन ब्लैक नोट्स कलेक्ट करने के चक्कर में किनामारु उससे काफी ज्यादा खुले पैसे दे देता है, जिससे वो बहुत नाराज और बेकाबू हो जाता है। सब शॉप पर उसे रोकने की कोशिश करते, तभी वहाँ पर मिकुनी आकर मामला सुलझा देता है। कुछ देर बाद किनामारु उसका शुक्रिया करने के लिए उसे कुछ ड्रिंक्स ऑफर करता है, जिस पर वो पहले तो हंसता है, लेकिन फिर उसे वो ले लेता है। लेकिन उसकी बातों से किनामारु समझ जाता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से आया है। मिकुनी कहता है कि मिदास मनी भी पेपर से ही बनती है और उन नोट्स को भी खर्च किया जा सकता है। जब किनामारु उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, तो मिकुनी कहता है कि उसके पास रोज खर्च करने के लिए नया पैसों के ढेर होता है और वो उन्हें ही खर्च करने में बिजी रहता है, और किनामारु भी ये काम कर सकता है। किनामारु कहता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है,
अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहता है। मिकुनी कहता है कि कुछ कमजोर लोग इस फाइट से बचने के लिए खुद को नॉर्मल बताते हैं, क्या तुम भी उनमें से एक हो? जिसके बाद मिकुनी उसे मजबूत बनने के लिए कहता है। वो चाहता है कि किनामारू अपनी लड़ाई खुद लड़े और अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक और लेडी को ड्राइवर अपनी कार में फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ले जा रहा होता है। वो उस लेडी को जुआ से दूर रहने को कहता है, लेकिन वो लेडी कहती है कि वो सिर्फ वहाँ फाइट देखने जा रही है। लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का साइज देश की इकोनॉमी पर निर्भर करता है। अंदर आती ही वो औरत अपने पेट को आजाद कर देती है। उसे पता था कि मिकुनी शहर पर राज करके इस पर कंट्रोल करना चाहता है। कहानी हमें 5 दिन पीछे ले जाती है, जहाँ किनामारू मिकुनी के बारे में सोच रहा था। जब वो घर से निकलता है तो वही लेडी उसका पीछा करती है। शायद वो उस पर नजर रख रही थी। वो बाहर आकर देखती कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हर फाइनेंशियल सेंटर में पैदा होता है। उस औरत की नजर हमेशा से ही सोचारो मिकुनी पर थी, जो देश में हर बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सेक्टर को कंट्रोल करता था। लेकिन असल में वो सिर्फ अपना दबदबा बनाकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करना चाहता था और मिडास मनी को असली दुनिया में लाने वाला भी था। एक गार्ड उस लेडी से पूछते कि वो यहाँ क्यों खड़ी है, तो वो कहती कि उसे अजुमा से मिलना है। लेकिन इस नाम का कोई उस डिवीजन में नहीं था। वो लड़की याद करती कि 3 महीने पहले उसके साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। अचानक उसके पास भी पैसे आए और मसाकासी ने उसका दरवाजा खटखटाया और वही फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली मेंबर बनी। फिर किनामारू अपनी आंट कोयोको से मिलने पहुंचता है, जो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे बताती कि उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसकी फिक्र की है। आंट कोयोको के साथ सफाई करते हुए किनामारू को एक डायरी मिलती है, जिसमें उसे कुछ कोट्स दिखते हैं। लेकिन अचानक उसकी नजर मिडास पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। वो और जानने के लिए जब पन्नों को तेजी से पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो मत्साई से कुछ जानने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसे गेम में वापस बुलाना चाहती है, जिसके बाद हम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उस लेडी को लड़ते हुए देखते हैं, जहां वो एक आदमी को चुनौती देती है जो अपने एसेट के रूप में एक आइस गर्ल को बेचता है। अटैक्स को अक्सर फ्लैटेशंस भी कहा जाता है, जो 3 तरह के होते हैं, जिनको मैक्रो, मेजो और माइक्रो में बांटा गया है। माइक्रो की कीमत सबसे कम होती है, लेकिन मैक्रो के लिए आपको 10 मिलियन यान भी खर्च करने पड़ सकते हैं। वो लेडी बताती कि वो हमेशा एक छोटी बाजी खेल लेती है। कुछ देर बाद किनामारू मसाकाई के पास पहुंच जाता है और अपने फादर के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि वो भी जरूर यहाँ पहले आ चुके हैं। तभी वहाँ मास्टर मिकुनी आ जाता है और उसे पेशेंस रखने को कहता है। वो कहता है कि मसाकाई से नहीं बल्कि किनामारू से मिलने आया है। वो एक आदमी से मिस्टर युवा के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे उनके अचानक गायब होने के बारे में कुछ पता चला, जिसके बाद वो बताता है कि उसके डैड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और एक बार कंगाल हो गए थे, जिसके बाद ना तो किसी को अपनी शक्ल दिखा सकते थे और ना ही कोई दूसरा काम कर सकते थे, और आखिर में हार मानकर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, और उसे इतना ही मालूम था। जब वो उस आदमी से उसके कैरेक्टर के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हारे डैड को पैसों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। जिसके बाद मिकुनी उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है, जहां उसे पूरा शहर साफ दिखाई देता है। मिकुनी उसे अपनी डैड की स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि उसकी फैमिली ने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी है। उसकी बहन को एक लाइलाज बीमारी थी, इसलिए उसके डैड ने भी लालच में आकर कुछ गलत काम किए, जिसके बाद मिकुनी ने ठान लिया कि वो कभी पैसों को परेशानी के कारण नहीं बनाने देगा। इसलिए उसने उसी कंपनी को हथियार जहां उसके डैड काम करते थे। वो कहता है कि पेरेंट्स को हमारी जिंदगी को बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन किनामारू को तो अपने डैड के बारे में ठीक से कुछ याद ही नहीं था। जब वो मिकुनी को अपनी डायरी दिखाता और कहता है कि उसके डैड इतने लालची हो सकते हैं, उसने सोचा भी नहीं था। जिस पर मिकुनी कहता है कि वो हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए सब कर रहे हों। जाते हुए मिकुनी किनामारू से कहते हुए जाता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम उसके फायदा उठाना चाहिए, जिससे वो और पैसा कमाकर तुम अपना और दूसरों का भला कर पाओ, जैसे कि उसने किया। ये सब बातें उसे झंझोर कर रख देती हैं, जिसके बाद उस लेडी को दिखाया गया जो कि 1 महीने पहले मिडास से आ रही करेंसी को रोकने की मांग कर गई थी। लेकिन वहाँ के ऑफिशियल ने उसकी बात को ये कहकर नकार दिया कि इससे असली दुनिया में बड़ा नुकसान हो सकता है। वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ उतना करो जितना हम कहते हैं। उसे दुख था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उसकी एक नहीं चलती थी। कुछ ही देर में वो टाइम आ जाता है जब किनामारू को अपनी दूसरी बाजी खेलनी है। वो जैसे ही वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता तो सभी उसके स्पेल देखने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। लेकिन अचानक उसे पता लगता है कि आज उसका मुकाबला उसी के एक टीचर के साथ है, जहाँ असली दुनिया में दिखाया जाता है कि कॉलेज में इबारा सर के वाइफ को 3रा बेबी होने वाला था। वो काफी खुश थे
और उन्हें किनामारू भी खड़ा देख रहा था। और दूसरी ओर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उसकी फाइट एबारा सर के साथ होती है, जहां उनके एसेट्स आपस में एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे होते हैं। सर उससे कहते कि ये लड़ाई मेरी और तुम्हें हराकर मुझे दुख होगा, और ये कहकर किनामारू पर पॉइजन अटैक करते हैं। और तभी वो माइसू की पावर्स को दोबारा बढ़ाकर स्क्रॉच्ड अर्थ का यूज करते हैं और अपने टीचर को हराकर कंगाल कर देता है। इसके बाद मकासाकी उन्हें वापस दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। किनामारू मिकुनी से पूछता कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो बताता है किनामारू में उसे एक पोटेंशियल दिखा है और उसके जैसे फाइटर की हेल्प वो हमेशा करता रहेगा। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो मिकुनी उसे भी और नए एसेट दे सकता है। इसके बाद किनामारू घर आते हुए सोचता है कि उसके टीचर के इस वक्त क्या हालत होगी, उनकी फैमिली का क्या होगा, लेकिन ड्राइवर उससे और पैसा कमाने की सलाह देता है। वहीं मिकुनी मकदूरी गर्ल्स को और भी बड़ा करना चाहता है और पूरी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करके उसका नाम भी मकदूरी रखना चाहता है। अगले दिन किनामारू कॉलेज पहुंचता और तभी उसके एबारा सर क्लास में आते हैं और नॉर्मली क्लास लेते हैं, लेकिन किनामारू उनसे बात करना चाहता है, इसलिए वो खाना छोड़कर उनकी तरफ बढ़ता है और उनके पास जाकर उनसे माफी मांगता है। जिसके बाद एबारा सर उसे अपने घर लेकर आते हैं, जहां अब उनके बच्चों का सिर्फ साया ही है। वो पहले थोड़े हिचकिचाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि मुझे कैसे भी सिर्फ पैसे कमाने थे, इसलिए मैंने फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में कदम रखा था। वो किनामारू से कहते कि बहुत लकी है क्योंकि उनके पास सुचिरू मिकुनी का साथ है, तुम इस खेल में काफी आगे बढ़ सकते हो। तभी किनामारू अपने फादर की सुसाइड की बात बताता है, जिसे सुनकर सर काफी दुखी होते हैं। एबारा सर कहते कि मुझे पता था कि मैं कंगाल हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना सब खो दूंगा। तभी उनकी वाइफ वहाँ आ जाती है। जब किनामारू देखता है कि उनका कोई बीवी ना है और ना ही होने वाला है, तो उसे काफी अफसोस होता है। सर उसे रास्ते में कहते कि तुम्हारे और मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि मेरे कभी बच्चे भी हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ उनकी यादें हैं। उनकी ये हालात किनामारू से देखी नहीं जाती। सर बताते हैं कि मिकुनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जहां पर आप कम पैसे लगाकर भी खेल सकते हैं और हार के बाद आप कंगाल भी नहीं होंगे। अगले दिन मिकुनी को किसी की ललकार सुनाई देती है, तो वो अपनी एसेट क्यू से उस बारे में पूछता है। तभी उससे मिलने किनामारू भी अपने कुछ सवाल लेकर पहुंचता है। जब मिकुनी उसे कुछ बताने वाला होता है, तभी मकासारी अपोनेंट के बारे में खबर दे देता है, जिनका नाम एम किकुची है। वो भी एक ब्लैक कार्ड थे और मैच शुरू होते ही उनके एसेट्स काकाजाको और हॉर्स आपस में लड़ना शुरू करते हैं। मिस्टर किकुची मिकुनी को चारों ओर से घेर कर उस पर कंटिन्यूसली हमला करते हैं। वो लोगों से हर्ष पर पैसा लगाने को कहते हैं। किकुची मिकुनी को एक भी मौका नहीं देना चाहता और उससे अच्छा मजा चखाना चाहता है और उसकी हालत अब खराब कर देते हैं। लेकिन आखिर में मिकुनी को अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को जगाना पड़ता है, जो बाहर आती हर्ष को खाने लगती है। और क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, तो मिकुनी अपने आखिरी वार से मैच को खत्म कर देता है। किनामारू उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं आपके जैसा ताकतवर बनना चाहता हूँ। मिकुनी कहता है कि वो बुड्ढा आदमी ताकतवर तो था, लेकिन उसे अपने कैश मैनेज नहीं किया, इसलिए अब उसकी हालत इसलिए दुनिया में भी खराब हो गई होगी। मिकुनी लास्ट में उसे स्ट्रॉन्ग बनकर हर मुकाबले को डटकर जीतने की सलाह देता है, जिसे किनामारू हमेशा याद रखेगा। कुछ देर बाद वहाँ कुछ और फाइट्स भी होती हैं, जिन पर मिकुनी नजर रखे हुआ है। वो किनामारू से कहता है कि किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और उससे पहले अपनी पावर क्षमताओं को पहचानना भी बहुत नहीं जरूरी है, जैसे कि IQ, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता होगा, उसने हराना उतना ही आसान हो जाएगा। जिसके बाद मसाई उसे दुश्मन को परखने का तरीका सिखाने के लिए एक छोटी फाइट करने को कहती है। पहले उसका अपोनेंट बारबोसा ग्रेट वॉल का इस्तेमाल करता है और माइसू को फंसा देता है, और किनामारू से निपटने के लिए अपने रोबोट्स को छोड़ देता है, जिनसे मासियो और किनामारू निपटने के बाद अपोनेंट्स पर हमला करते हैं। किनामारू उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उसका खात्मा करने ही वाला होता है, लेकिन मासियो की गलती से हार जाता है। वहीं पर मिकुनी बैंक से अपना कैश कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने जाता है। वो वहाँ अपना शेयर देकर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदना चाहता है। रास्ते में घर आते हुए किनामारू को पता लगता है कि अगर वो छोटे मार्जिन से भी हारता है, तो असली दुनिया में उसका घर जल सकता है या उससे कुछ भी बुरा हो सकता है। घर आकर उसे आंटी का कॉल आता है और उसे पता लगता है क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। अगले दिन उसे अचानक हनाबी की याद आती, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हाल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जिससे कोई इंजरी। हनाबी को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगता है, तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और काफी खुश है। लेकिन किनामारू को अब भी संतुष्टि नहीं मिलती।
डिनर करते टाइम वो मासियो से उसकी इंजरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो फाइट के दौरान हुई गलती पर डांटती है, जिसे वो बड़ी आसानी से जीत सकते थे। जब मासियो उसे नूडल्स टेस्ट करने को कहती है तो किनामारू अकेले ही सब खा लेता है। दूसरी ओर मिस्टर किकुची आज युशुजी से लड़ने वाले हैं। मिकुनी कहता है कि इस फाइट में जो भी जीतते हैं इस बाहर की दुनिया पर उसका बुरा असर पड़ेगा। फाइट शुरू होते ही किकुची हर्स्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन उसका अपोनेंट पहले से ही तैयार था। किकुची अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। किनामारू देखता है कि असली दुनिया में किकुची की कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। जब वो एबारा के पास और जानने के लिए जाता है तो उसे बताते हैं कि अगर उसकी बाशो फार्मास्यूटिकल कंगाल हो गई तो लगभग 10,000 लोगों तो बिना दवा के सप्लाई के अपनी जान गवा बैठेंगे। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में एक साथ नूडल्स एंजॉय करते हुए मासियो किनामारू से कहती है कि अगर उसे आने वाली फाइट्स में जीतना है तो उसे पहले ही तैयारी करनी होगी और अपने एसेट को भी उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना होगा। तभी तकेताबाजी जिसने उसके डैड के बारे में जानकारी दी थी वहाँ आता है और किनामारू को बाशो कंपनी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए 1,000,000 येन मांगता है और बताता है कि बाशो कंपनी को एफई फार्मास्यूटिकल्स ने खरीद लिया, जिसका मालिक खुद सोचिरो मिकुनी है। जब किनामारू मिकुनी से ये सब पूछता है तो वो कहता है कि तुम सही हो और मैंने इसका इस्तेमाल असली दुनिया के असर को कम करने के लिए किया। अधूरी गिल्ड को भी वो बड़े स्टार पर ले जाना चाहता है, जिससे वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की फाइट के असर को और न्यूट्रलाइज कर सके। मिकुनी किनामारू से पूछता है कि तुम्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कैसी लगी, तो उसे एक अनोखी दुनिया बताता है। लेकिन मिकुनी असल में अब उस दुनिया से अब चुका है और उसे मिडास मनी और नॉर्मल करेंसी का एक साथ इस्तेमाल होना पसंद नहीं। मिकुनी मिडास मनी से सारे बॉन्ड्स इसलिए खरीद रहा है ताकि वो अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन बनाकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर सके। वो दुनिया में शांति और बैलेंस बनाकर रखना चाहता है। जब मिकुनी के साथी पूछते कि तुम्हें क्यों लगता है कि किनामारू मनी को संभाल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही था, तो वो कहता है कि पैसों को सिर्फ वही इंसान संभाल सकता है जिसने उसका लालच ना हो। फिर IMF में उस लेडी को दिखाया जाता है जो मिडास मनी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से नफरत करती है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन पर भरोसा नहीं है। शाम को सभी को पता लगता है कि किनामारू अब मुकर्तो गिल्ड का मेंबर है, लेकिन उनमें से कोई इस बात से खुश नहीं था। किनामारू की फाइट आज की औरत के साथ है, जिसका एसेट काफी क्रीपी था। वो अजीब दिखने वाला खिलौना किनामारू के पीछे पड़ जाता है, लेकिन मासियो उसे तबाह कर देती है। लेकिन उसकी अपोनेंट अभी भी मिसिंग थी। तब एक अनजान आदमी वहाँ आता है, जिसकी हेल्प से वो दोनों अपने पॉइंट्स को बढ़ाकर अपनी गेम को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो मासियो को दोबारा डमेन खिलाने लगता है। लेकिन अचानक उनके पास एक अजनबी आ जाता है जो क्रीप हरकतें करने लगता है और उसका नाम को सनोजा है और वो आज तक सिर्फ एक मैच हारा है। उसका अगला अपोनेंट किनामारू योगा है। वो कहता है कि अगर किनामारू चाहे तो मैच को रद्द करने के लिए उसे अपनी आधी दौलत दे सकता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हारने के बाद उसकी हालत देखने लायक होगी। जब किनामारू उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों चाहता है कि, तो सनोजा कहता है कि मैं अपने हर ओपोनेंट के साथ ऐसा ही करता हूँ जिससे उसने असली दुनिया में नुकसान ना झेलना पड़े, और अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। जब वापस जाकर किनामारू उसके बारे में छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने गुड लुक्स और समझ सेवा के लिए काफी फेमस है। बाद में किनामारू को एक गाड़ी में धोखे से कोई किडनैप करके ले जाता है। जब वो देखता है तो वो एक लेडी थी, वही लेडी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की जासूसी करती है। वो अपने बारे में सब कुछ किनामारू को बता देती है और कहती है कि मिकुनी को लगता है कि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। जब वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने की बात करते थे तो किनामारू उससे पूछता कि कैसे मुमकिन है। तो बताती है कि वो शहर छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है जिन्हें अलग अलग तबाह करना पॉसिबल है, जैसे कि मुकदारी गिल्ड। लेकिन किनामारू को उसका प्लान पसंद नहीं आता, क्योंकि मिकुनी ने उसे हाल ही में गिल्ड में शामिल किया था और हर कदम पर उसका साथ दिया था। किनामारू उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता था। तभी वो लेडी उसको सिनोजा के बारे में बताती है, जिसे भी मिकुनी ने गिल्ड में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो गाड़ी से उतर कर भागने लगती है। लेकिन तभी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का ड्राइवर उन्हें आकर बचा लेता है। अगले दिन सेनोजा एक स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा होता है और किनामारू भी उससे मिलने पहुंच जाता है। सेनोजा कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन किनामारू उससे कुछ और सवाल करना चाहता था। सेनोजा उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाता है। वो कहता है कि दुनिया में अमीर लोग और भी अमीर और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और इसके पीछे मिडास मनी है जो मुकुदरी गल्ड से आती है, और वहाँ होने वाली एक फाइट देश की इकोनॉमी को खोखला कर रही है, और लोग चंद पैसों के लालच में अपने फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं। जिसके बाद वो किनामारू को कुछ पेंटिंग्स दिखाता है
जिन्हें कुछ बच्चों ने उसे उसका शुक्रिया अदा करने को भेजा था क्योंकि उसने वैक्सीन टाइम पर पहुंचाकर उनकी मदद की थी। सनोजा बताता है कि हर एक तस्वीर के जरिए बच्चों के सपनों को देख सकते हैं। जब एक बार सनोजा हारा तो इन सब पेंटिंग्स में से उसका फ्यूचर मिट गया था। शाम को शॉप में भी किनामारो का दिमाग में उसी की बात चल रही होती है। जब वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मिकुनी से मिलता है तो मिकुनी उसे कहता है कि शायद तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। मिकुनी बताता कि सनोजा की डील के बारे में वो सब जानता है और वो अपने हर एक अपोनेंट को एक मौका जरूर देता है। वो कहता है कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी उसकी एक कमजोरी है और वो कमजोरी है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। मिकुनी के अनुसार जो लोग सिर्फ प्रेजेंट में ही रहकर जीते हैं वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं और अपने आज और कल दोनों को खो देते हैं, लेकिन सनोजा हमेशा से एक अपने और दूसरे के प्रेजेंट को कम्फर्टेबल बनाने में लगा रहता है। मिकुनी किनामार उसे अपनी फाइट का फैसला खुद लेना जीतने के लिए कहता है क्योंकि इस दुनिया में सर उठाकर जीने के लिए यही तरीका है। और कुछ देर बाद किनामारू और सनोजा आमने सामने होते हैं। किनामारू के मन में वो सारी बातें घूमने लगती हैं जो उसे मिकुनी और जेनिफर मासियू से सुनी थी और इसलिए वो अपना फैसला नहीं ले पाता। जब मासियू उसे आवाज लगाती तो सनोजा अपना एसेट कायामारू का इस्तेमाल करता है जो मासियू को घायल कर देता है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो दोनों अब उसका सामना नहीं कर पाते और मासियू बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो उससे कहते कि मुझे पता है कि तुम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमें उसका मुकाबला तो करना ही होगा, नहीं तो वो हम दोनों को यही खत्म कर देगा। अब किनामारू किसी कीमत पर उससे हारना नहीं चाहता था, जिसके बाद उन दोनों को सीधा सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पर सनोजा अपना ऑफिस का सामान शिफ्ट कर रहा है। वो किनामारू से कहता है कि मुझे तुम्हें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि किनामारू उसे दो बार लगातार मेसोफोलोशन का इस्तेमाल करके हरा देगा। क्योंकि किनामारू इतना लालची नहीं था तो अपनी हार का सनोजा को दुख नहीं हुआ, इसलिए सनोजा मासियो की बहादुरी के लिए कुछ नूडल्स उसे गिफ्ट देकर जाता है, जिसके बाद मिकुनी को उसके फादर के साथ दिखाया जाता है जो उसे बताते कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, तुम जितनी बड़ी पैसे की दीवार खड़ी कर सकते हो उतनी ही तुम ताकतवर बन सकते हो। उसके डैड ने हमेशा दौलत को ही हर चीज समझा था और वो चाहते थे कि मिकुनी भी उनकी तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बने जिसके पास बेशुमार दौलत हो, इसलिए उन्होंने उसे अपना सेक्रेटरी भी रख लिया ताकि वो म्यूजिक जैसी चीजों से दूर रहे और जिंदगी में आगे बढ़े। जब मिकुनी की छोटी बहन टकाको को पता चलता है कि उसने म्यूजिक छोड़ दिया है तो उसे काफी बुरा लगता है। मिकुनी कहता है कि हर कोई इस दुनिया में अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाता, उनमें से एक मैं भी हूँ। मिकुनी को डॉक्टर से पता लगता है कि उसकी बहन के पास अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और तभी उसके डैड की कंपनी के खिलाफ कोई गलत अफवाह फैला देता है जिसकी वजह से उसके डैड शहर छोड़ने का फैसला लेते हैं। लेकिन मिकुनी को टकाको की चिंता थी और वो अभी भी उसे बचाने के लिए हर कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसके डैड तो उसका साथ देते और नई इलाज करने के लिए पैसे देते हैं, जिसके बाद मिकुनी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद उसे कैद कर दिया जाता है और अपनी बहन से दो हफ्ते बाद मिलने दिया जाता है। और उस रात टकाको की तबीयत काफी खराब होती है, वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए तड़प रही होती है। मिकुनी से बात करते हुए कोमा में चली जाती है। इसके बाद मिकुनी दोबारा से बिजनेस को कामों में लग जाता है और एक शाम मसाका की उसे लेने आता है और मिकुनी पहली बार फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में कदम रखता है जहाँ उसे गेम का मतलब समझ आता है। वो वहाँ अपनी नई टीम बनाता है और ठान लेता है कि वो उसकी मदद से दुनिया के फ्यूचर को बेहतर बनाएगा। इसके बाद मसायो किनामारू के बारे में सोचती है, उसे लगता है कि उसका और किनामारू का जन्म एक गेम में एक साथ बने रहने के लिए ही हुआ है और जिस तरह वो उसकी चिंता करता है कोई भी अपने एसेट की वैसे देखभाल नहीं करता। तभी उन्हें एक खाने का एक स्टॉल दिखाई देता है और मसायू उसे रामायण खाने के लिए कहती है। वहाँ जाकर वो अपना पुराने दुश्मन से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। वहाँ पर एक इंसान अपनी एसेट को जबरदस्ती कुछ खिला रहा होता है, इसे देखकर किनामारू वहाँ रुक नहीं पाता और बाहर आ जाता है, लेकिन अचानक से उसका मन बदल जाता है और वो भागकर वापस जाता है और उस आदमी को रोकता है, लेकिन इसकी वजह से किनामारू को उसका पंच भी झेलना पड़ता है। जब मासायो उसे पूछते कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि वो अपनी आंखों के सामने किसी को परेशान नहीं देख सकता और अपने मन में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता। शाम को किनामारू और मासायो एक साथ टीवी देखते हैं जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। शाम को जब किनामारू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जा रहा होता है तो उसे शहर में कुछ बदलाव दिखाई देता है तो ड्राइवर उससे कहता है कि ये उसका वहम है। मिकुनी और उसके साथियों को पता चलता है कि साउथ एशियन इलाकों में इंटरेस्ट रेट काफी गिरावट में है। जब इचुरू पूछता है क्या इस गिरावट से उनकी कंट्री खत्म हो जाएगी तो उसका एक साथी बताता है कि एक बार फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट करेंसी में भारी गिरावट आई थी जिसके बाद कैरेबियन नाम का पूरा शहर अपनी जगह से गायब हो गया था।
जेनिफर को कुछ दिनों से लोगों की भीड़ कम दिखाई रही थी। उसे शॉप से पता लगता है कि उनकी दुकान पर अब सिर्फ गिने चुने लोग ही आए। जेनिफर को बाहर एक खबरी मिलता है जो उसे बताता है कि मुक्कादारी का मेंबर गिल्ड को बहुत जल्दी छोड़ने वाला है। वो ये भी कहता है कि किनामारू की एसिड मसायो का चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है, लेकिन जेनिफर उसे कहते कि तुमने इसके बारे में किनामारू को बताना चाहिए। उस दिन किनामारू को कॉलेज का माहौल थोड़ा बदला हुआ लगा। वो देखता है कि हनाबी भी उसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। उसका दोस्त ककुतो भी दुकान में अजीब हरकतें करता है और आज शहर में किनामारू को ठहरा हुआ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि मानो लोग अब रोबोट बन चुके हैं। किनामारू की नजर अचानक से एक बिल्डिंग की छत पर पड़ती है जहाँ उसके टीचर एबारा सर होते हैं। वो उन्हें देखकर डर जाता है और उन्हें बचाने पहुँच जाता है। सर की बातों से लग रहा था कि जैसे वो अपना सब कुछ खो चुके हैं और अब जीने की इच्छा भी छोड़ रहे हैं। किनामारू उनके नीचे गिरने से पहले उनके पकड़ लेता है। उसके पहुंचने पर सर बताते कि जब से वो कंगाल हुए हैं उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, तो तब से एबारा सर काफी कोशिश करने के बावजूद उन्हें बुला नहीं पाए। उन्हें आज वो दिन याद आता है जब मसाकाती उन्हें लेने आया था, जिसने उनके फ्यूचर को दांव पर लगा दिया। किनामारू उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करने के लिए कोशिश करेगा, तो सर कहते हैं कि पहले भी काफी लोग उनसे ऐसे कह चुके हैं और अब एबारा सर उम्मीद छोड़ चुके हैं। किनामारू मसेओ को बताता है कि अब वो अपने सारे फंड्स खर्च कर देगा, जिससे उसके पास फाइट्स में लगाने के लिए काम पैसा होगा और कम पैसे वाली डील्स खेलकर वो अपने सारे अपोनेंट दोनों के फ्यूचर को सुरक्षित कर पाएगा। फिर किनामारू मसाकाकी को पुकारता है और उससे कहता है कि वो प्रोफेसर एबारा के फ्यूचर को लौटा दे, जिसे उन्होंने दांव पर लगाया था, और उसके बदले में किनामारू जीती हुई रकम को 100 गुना देने को तैयार है। मसाकाकी कहता है कि ये उसके हाथ में नहीं है, बल्कि उसके बॉस के कंट्रोल में है। तकाकाजी हिनामारू से तरीका बताने के लिए कुछ पैसे लेता है और बताता है कि इस तरीके से आज तक कोई सफल नहीं हो पाया, लेकिन एबारा के बच्चों को वापस लाने के लिए किनामारू को $100 मिलियन देने होंगे। तभी मसायो को उस आदमी और उस तरीके पर विश्वास नहीं होता। तभी मिकुनी अपने साथियों को आने वाली मंदी के बारे में चेतावनी देता है, जो कि साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है। अब उनका मेन कलेक्शन भी खत्म होने लगता है। मिकुनी हर एक गिल्ड मेंबर को बाहर के प्लेयर्स को हराकर उनकी दौलत हथियाने को कहता है। जब किनामारू कॉलेज स्टाफ से एबारा सर के बारे में पूछता है, तो उसे पता लगता है कि वो एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं। जब किनामारू अपने टीचर को याद कर रहा होता है, तो मिदास मनी का नोट उड़कर उसके पास आता है और जो बच्चा अपने नोट मांगने उसके पास आता है, तो वो अचानक गायब हो जाता है। और किनामारू ये देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उस बच्चे की मॉम उसे इंस्टेंटली भूल भी जाती है। शाम को किनामारू की मुलाकात तकाकाजी से पहली बार उसके शहर में होती है, जहां वो कुछ बुक्स बेच रहा होता है। वो किनामारू से पूछता कि तुम मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर लेते हो। किनामारू कहता है कि क्योंकि मिकुनी ने उसे तकासाकी से मिलाया है, सिर्फ इसलिए। तकासाकी का कहना था कि वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि वो लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करता है कि वो अपने फ्यूचर पर कितना विश्वास करते हैं। जिसके बाद किनामारू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में सबके सामने अपने पैसों को आग लगा देता है, लेकिन मसायो को उस पर पूरा विश्वास है। किनामारू को यकीन नहीं होता कि पैसे कितने लोगों के फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हैं। वो कहता है कि वो इन पैसों से ज्यादा प्यार अपने फ्यूचर से करता है। जेनिफर उससे कहते कि ये बेवकूफी करने से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो लोग इससे भी ज्यादा मिदास मनी प्रोड्यूस कर सकते हैं और पैसों से ज्यादा कोई जरूरी है तो वो भरोसा है। किनामारू मिकुनी से जाकर कह देता है कि सेनोजा हमेशा से यही कहता है कि अगर हम अपने फ्यूचर में होने वाली चीजों को अपने प्रेजेंट में ही नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फ्यूचर का फायदा क्या है। लेकिन मिकुनी सेनोजा की बात को हमेशा विरोध करता था। किनामारू कहता है कि अगर हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने दोस्तों से आसपास के लोगों को दांव पर लगा रहे हैं, तो हम फ्यूचर में अकेले अमीर बनकर क्या करेंगे। तभी मिकुनी का आदमी से खबर देता है कि साउथर्न फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट सिंगापुर में खत्म होने वाली है, और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी बची हुई संपत्ति भी खत्म हो जाएगी। मिकुनी कहता है कि अब उन्हें सी का इस्तेमाल करना होगा। सी का नाम किनामारू के लिए नया था, तो उसे कुछ समझ नहीं आता। मिकुनी उससे अपने रास्ते में आने के लिए मना करता है और चला जाता है। और जैसे ही साउथ एशिया के बैलेंस जीरो होता है, तो उसका असर असली दुनिया में दिखाई पड़ता है और सभी एसेट्स तबाह हो जाते हैं। शुरुआत होती है आईएमएफ की एक मीटिंग से, जहां पर एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का मेंबर भी होता है, जो बताता है कि शायद तुम सबको नहीं पता, लेकिन एक कैरेबियन नाम का देश भी ऐसे एक क्राइसिस की वजह से गायब हुआ था, जैसा क्राइसिस उन्हें जल्दी देखने को मिलेगा, और ऐसी घटना को सी कहा जाता है। जिसके बाद उन्हें खबर मिलती कि साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट का बैलेंस जीरो हो चुका है और सिंगापुर देश खतरे में है, और देखते ही देखते उस शहर के नामो निशान मैप से गायब हो जाता है। जेनिफर देखती है कि हांगकांग का इंडेक्स और सेंसेक्स जितनी तेजी से घट रहा है, वो शहर भी जल्दी गायब होने वाला है। वहाँ के लोग भूल चुके थे कि सिंगापुर नाम का कोई जगह भी थी,
और हांगकांग भी अब मिटने लगा है और अगला नंबर भी जापान का है। और जब जापान को खत्म होने में 30 मिनट बाकी थे तो मिकोनी काफी निराश दिखाई दे रहा था। उसका साथी कहता अगर तुम डार्कनेस का इस्तेमाल नहीं करते तो शायद यही इस वक्त हमारे पास इतना पैसा बचा होता। जिसके बाद 11 घंटे पहले के कुछ पल दिखाए जाते हैं जहां पर मिकोनी ने डार्कनेस का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से आप जितना चाहे उतना मिडास मनी बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद में उसने देश का फ्यूचर को 20 सालों पर दांव पे लगा दिया। कुछ देर बाद सी जापान पहुंच जाता है और दूसरी तरफ मिकोनी और उसके साथी अपने मिडास मनी से सारी कंपनीज के बॉन्ड्स को खरीद रहे होते हैं जिससे वो देश की इकोनॉमी को बचा सके। जब जेनिफर इकोनॉमी को बढ़ता देखता है तो समझ जाता है कि इसके पीछे मिकोनी का ही हाथ है। शाम को जब किनामारू जेनिफर से पूछता है कि मिकोनी ने सही किया या गलत, तो बताते हैं उसने देश को तो बचा लिया लेकिन आने वाले 20 सालों को दांव पे लगाकर, जिससे हम अभी तो सुरक्षित रहेंगे लेकिन आने वाले 20 सालों में लोगों की हालत क्या होगी इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। थोड़ा आगे जाकर वो दोनों नूडल्स पकाते हैं। जेनिफर किनामारू से उसके डैड के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो भी यहीं पर कंगाल हो गए थे। वो कहती कि तकातासी को मैसियो के बारे में भी कुछ जानकारी है। जिसके बाद किनामारू सीधा तकातासी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह किनामारू से पैसे मांगता है और उसे एक तस्वीर दिखाता जिसमें उसके डैड होते हैं, उनकी एसेट होती है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि वो देखने में सिर्फ मसायू जैसी थी, उसका नाम मुआ था। इसे देखकर मसायू हैरान हो जाती है। तकातासी कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का फ्यूचर काफी मिलता जुलता है। जिसके बाद किनामारू जेनिफर को इनाप के बारे में बताता है तो वो कहती है कि हर कोई सपने देख सकता है क्योंकि सबके पास अपना फ्यूचर होता है, लेकिन जो अपने फ्यूचर को दांव पर लगा देते हैं वो बिना फ्यूचर के अपनी आज को भी खो देते हैं। उसके हिसाब से किनामारू का उसके डैड के साथ कोई ना कोई करेक्शन जरूर था और वो किनामारू और अपने परिवार से काफी ज्यादा प्यार करते थे और शायद अपने परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से भाग गए। अगले दिन किनामारू हानाबाई से मिलने उसके घर जाता है क्योंकि ना तो वो कॉलेज आ रही थी और ना उसका फोन आ रहा था। हाना भी कहती है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेले रहना चाहती है। जब किनामारू काम पर होता है तो वो पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखता है और तभी उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है जिसके बाद उसके सामने का नजारा सिर्फ एक पल में बदल जाता है। पार्क में बच्चों की जगह उसे कुछ गरीब लोग दिखते हैं और ऐसा पूरे शहर में हो रहा होता है। और किनामारू की आंखों के सामने उसका साथी समरिंदा हो गया था जिसे देखकर किनामारू के पसीने छूट जाते हैं। वो भागकर हानाबी के घर दोबारा पहुंचता है जहां पर हानाबी और उसकी मॉम भी किनामारू को भूल चुकी होती हैं। वो इस बारे में जेनिफर से बात करने पहुंचता है और उससे कहता है कि अगर इन सब चीजों को रोका जा सकता है तो वो उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। शायद जेनिफर उससे यही सुनना चाहती थी। वो बताती है कि गायब हुए लोग वापस नहीं आते लेकिन वो बचे हुए लोगों की जान बचा सकते हैं। किनामारू मसेयो को भी विश्वास दिलाता है कि वो भी एक नॉर्मल लड़की की तरह जी पाएगी। फिर वो दोनों फ्यूचर में साथ रहेंगे। मिकोनी और उसके साथियों को पता लगता है कि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू कर दिया है और डॉलर की वैल्यू बढ़ाने से जापान पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। मिकोनी अमेरिकन ऑफिशियल के एक मेंबर को देखकर पहचान लेता है क्योंकि वो भी पहले के एक गेम का मेंबर था। मिकोनी को अमेरिका की फाइनेंशियल पावर से खतरा था। मिकोनी मकासाकी के पास जाता और दोबारा से प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन इस बार भी उसे कुछ दांव पर लगाना होगा। और मिकोनी अपने देश को सी से बचाने के लिए दोबारा और मिदास मनी को जनरेट करता है। जब किनामारू पूछता है कि हम कैसे इसके इफेक्ट को रोक सकते तो जेनिफर बताती कि ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास डार्कनेस का कार्ड आ जाए और उसके लिए हमें मिकोनी को चैलेंज करके उसे हराना होगा जिससे वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए भी उनके पास बहुत कम टाइम था। किनामारू कहता है कि मिकोनी के पास तो बेशुमार दौलत है, तो जेनिफर कहती है कि यही उसकी कमजोरी भी है। तकातासी के पास एक प्लान है और वो ये है कि अगर असली येन की वैल्यू कम कर दी जाए तो मिदास मनी की वैल्यू भी अपने आप कम हो जाएगी, जिसके बाद मिकोनी को कंगाल करना आसान होगा। मिकोनी के पास अब इतनी दौलत है जिससे वो एक छोटा देश खरीद सकता है और अपने प्लान के अनुसार मिकोनी के पैसों को जीरो कर देते हैं। जिस किसी के पास येन होते हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसके बाद किनामारू और जेनिफर मिकोनी को चैलेंज करते हैं। मकासाकी मिकोनी को बताता है कि उसे किसी ने चैलेंज किया है जिसके बदले मिकोनी को अपनी आधी दौलत को दांव पर लगाना होगा। तभी जेनिफर वहां पे आ जाती है और कहती है कि मिकोनी ने अपने एरिगन्स के चक्कर में जापान को बर्बाद कर दिया है। किनामारू देखता है कि मसायू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल दो बार किया गया था। मसायू कहती है कि अब वो तैयार है, लेकिन किनामारू मुकाबले में अकेले ही उतरता है। उसका मुकाबला इच्छुगुई से था जो उसकी बुरी हालत कर देता है। किनामारू उस पर एक हमला करता है जिसके बाद वो इच्छुगुई पर हमला करने में कामयाब होता है।
मसाई उससे लड़ने की जिद करते तो किनामारु कहता है कि वो उसका फ्यूचर है और उसे दोबारा घायल करते हुए नहीं देख पाएगा। गुई अचानक उन पर जब हमला करता है तभी मसाई उसके सामने आती है और किनामारु से मैक्रोफ्लोरेशन का इस्तेमाल करने को कहती है और अपनी ऑलमोस्ट सारी दौलत लगाकर वो दोनों इतनी पावर जनरेट करने में कामयाब होते हैं जिसकी गर्मी से इचिगुई को जलकर राख कर देते हैं और मैच जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर भी मैक्रोफ्लोरेशन का इस्तेमाल करके मिकोनी के एसिड को भी उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है लेकिन मिकोनी उसे आसानी से डॉज कर लेता है लेकिन दोबारा जेनिफर के मैक्रो इस्तेमाल करने पर भी क्यू उसे रोक लेती है जिसके बाद मिकोनी कैनिबलाइजेशन का यूज करता है क्यू जेनिफर के एसिड को खा जाती है और मिकोनी उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। तभी दिखाया जाता है कि सरकार को पता लग जाता है कि कोई येन की कीमत को घटा रहा है जिससे इन्फ्लेशन 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जब किनामारु जेनिफर को देखने आता है तो वो उसे घायल पड़ा देखता है। जेनिफर ने नहीं सोचा था कि मिकोनी इतना ताकतवर होगा। जेनिफर को खत्म होते देखकर किनामारु की आंखें नम पड़ जाती हैं। जेनिफर किनामारु को इंसाफ में घसीटने के लिए काफी माफी मांगती है और जाते हुए अपना एसेट किनामारु को दे देती है। तो मिकोनी जाने लगता है तो किनामारु उसे रोकता और कहता है कि तुमने मेरे साथी को मार दिया और पूरी दुनिया के लोग तुम्हारी वजह से गायब हो रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की एसेट क्यू भी तुम्हारी हरकतों की वजह से बीमार है। लेकिन मिकोनी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो किनामारु की बातों के भी खिलाफ है। तभी मिकोनी को एक साथी आकर उसे बताता है कि उसकी सेविंग को किसी ने चुरा लिया है और येन की कीमत को कम करके मिदास मनी की वैल्यू भी घटा दी गई है। मिकोनी कहता है कि अगर तुम जाओ और पैसा रिसीव करने की तैयारी करो और मकासाकी को बुलाकर वो एक और बार प्रिंटिंग प्रेस को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। किनामारु उसे ऐसा करने को मना करता है लेकिन मिकोनी कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और इतना ताकतवर कोई नहीं है जो उसे रोक सके। वो किनामारु से कहता है कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है जिससे तुम मुझे रोक सको। तभी मकासाकी उसे याद दिलाता है कि किनामारु के पास भी एक ब्लैक कार्ड है जिसकी मदद से वो प्रेस को उल्टा घुमाकर उसके असर को खत्म कर सकता है। मिकोनी मकासाकी पर गुस्सा से चिल्लाता है लेकिन मकासाकी कहता है कि सब कुछ उसके बॉस के हाथ में है। किनामारु मकासाकी को रोटरी प्रेस उल्टा घुमाने का ऑर्डर देता है लेकिन मिकोनी ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता। देश की इकोनॉमी की हालत इतनी खराब होने लगती है कि एक डॉलर की वैल्यू 30,000 येन हो जाती है। मिकोनी और किनामारु आखिरकार आमने सामने होते हैं। वो दोनों माइक्रोफोलेशन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मिकोनी अपना प्राइस डबल करके खेलता है और मसायुक पर भारी पड़ने लगता है। तभी किनामारु अपना एसिड स्वैप करता है और अपनी पूरी कोशिश के बाद भी किनामारु मिकोनी को टक्कर नहीं दे पाता। मिकोनी कहता है कि हमारा लक्ष्य एक ही है लेकिन सोच काफी ज्यादा अलग है और अब बहुत देर हो चुकी है। मसायुक किनामारु से माइक्रोफोलेशन का इस्तेमाल करने को कहती है लेकिन इससे पहले ही क्यू मसायुक और फिर किनामारु को फ्रीज कर देती है और मिकोनी उन पर एक जोरदार वार करता है लेकिन उसे डॉज कर मसायुक मैजो का इस्तेमाल करके क्यू पर हमला करती है और उससे कहते कि वो किनामारु के लिए कुछ भी कर सकती है। फाइट के दौरान मिकोनी कहता है कि उसकी छोटी बहन मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो कल जिंदा रहेगी या नहीं, इसलिए मिकोनी अपने प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहता है चाहे आने वाले कल में उसे कुछ भी बुरा क्यों ना झेलना पड़े। उसके लिए इंसान सिर्फ अपनी आज की खुशियों की परवाह करता है। किनामारु कहता है कि जो लोग बेवजह अपनी जान गंवा रहे हैं वो मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं उनका क्या, लेकिन मिकोनी को लगता है कि उसने बाकी के लोगों को भुखमरी से मरने के लिए बचाया है। वहीं जापान की हालत कुछ ठीक नहीं होती और वहां के अमीर लोग देश छोड़कर जाने लगते हैं। मसाई क्यू पर स्क्रॉच्ड अर्थ का इस्तेमाल करती है लेकिन क्यू उसे दोबारा से फ्रीज कर देती है। मसाई उससे कहते कि क्यू की शक्ल उससे मिकोनी की छोटी बहन से मिलती जुलती लगती है। वो कहते कि अगर ऐसा है तो मिकोनी उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो बुरा आदमी है, लेकिन क्यू उस पर बार बार हमला करती रहती है। मसायु कहती है कि अगर मिकोनी को क्यू की चिंता की नहीं है तो क्यू उसका इतना साथ क्यों देती है। और वही मिकोनी और किनामारु में अभी तक बहस चल रही है। वो दोनों आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। मिकोनी क्यू से किनामारु को खत्म करने के लिए कहता है लेकिन अचानक क्यू में उसे तकाको का चेहरा दिखता है और तभी किनामारु मिकोनी पर अटैक करता है लेकिन अचानक उन दोनों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और पूरे देश की मिदास मनी गायब होने लगती है और सी जापान से बस टकराने ही वाला होता है। किनामारु मिकोनी को एक जोरदार पंच करता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि जब मिकोनी टकाका से आखिरी बार मिला था तो उससे सामने ही गायब हो गई थी। सभी को पता लगता है कि सी का असर जापान पर नहीं हुआ जिससे चेन रिएक्शन टूट गई। मकासाकी बताता है कि क्योंकि मिदास मनी की कीमत इतनी कम हो गई कि वो अपना सत्तत्व नहीं बचा पाई जिसलिए उसके गायब होने की वजह से सी का इफेक्ट भी खत्म होने लगा है। जिसके बाद मिकोनी कहता है कि वो हार गया और किनामारु जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो किनामारु अपनी पावर का यूज करते हुए मकासाकी को प्रेस को रिवर्स घूमने को ऑर्डर देता है
और ऐसा करते हुए सब कुछ रिवर्स होने लगता है। मिकुनी क्यू को गुड बाय कहता है और उसे वहीं जाने को कहता है जहाँ से वो आई थी। किनमारु भी मसायू के साथ के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और मसायू भी उसे गुड बाय कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। और देखते ही देखते दुनिया फिर से बदल गई थी और दुनिया बहुत खूबसूरत होने लगती है। हर वो इंसान जो गायब हुआ था वापस आ जाता है। एक दिव्य शक्ति आकर किनमारु का शुक्रिया करती है। वो कहती है कि जो भी हुआ तुमने उस पे अपना फैसला लेने की हिम्मत दिखाई और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लड़ाई करी। किनमारु जब उठता है तो उसे फिर से उसे वही खुशहाल दुनिया नजर आती है जहाँ पर हर चीज का प्राइस नॉर्मल है। वो हनाबे के घर जाता है लेकिन अंदर जाने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। पार्क में अचानक उसे हनाबे की आवाज सुनाई देती है जो कि नर्सरी टीचर ही होती है। तभी मकासाकी उसके पास आता और कहता है कि वो हनाबे ही है। जब किनमारु उससे पूछता है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो तो वो बताता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट अमर है और ये कहकर चला जाता है। किनमारु को अपनी जेब में एक फोटो मिलते जिसमें मिकुनी और मसायू एक साथ होते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।